तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, डीएम्स करके बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, मम्मी की तबीयत अब कैसी है ना। और वीडियोस में भी कमेंट आप लोगों के बहुत आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि हर एक के कमेंट का 1-to-1 रिप्लाई करने से अच्छा है मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं बहुत दिनों सोच रही थी मैं वीडियो में बताऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी इस पर, बट मुझे ना लगा था कि शायद हम 2-3-4 दिन में हॉस्पिटल से चले जाएंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर बहुत सी, वैसे तो ड्राफ्ट की वीडियोज़ डाल रही हूँ, मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले माँ बाप होते हैं, सबसे पहले फैमिली होती है, पहले इनका केयर ज़रूरी है। और ये सोशल मीडिया, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों से मैं इतनी उम्मीद तो रख सकती हूँ कि आप लोग मेरा ये सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे कि अभी मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा मम्मी पर ध्यान दे सकूँ। बाकी वीडियो से देखियो, ज़िंदगी भर बनाते ही रहना है, सब कुछ करना है, बट जो काम जिस टाइम ज़रूरी होता है ना, वो उस टाइम ही अच्छा लगता है। तो अभी मम्मी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो अपडेट ये है कि मम्मी को गॉल ब्लैडर में पथरी थी, और छोटी छोटी 19-20 पथरी थी, काफ़ी पुरानी थी। 2 साल से हमें पता था पथरी उससे भी पुरानी थी, और मैं 2 साल से मम्मी को बोल रही थी कि ऑपरेशन करा लो करा लो, बहुत मैंने बोला था। बट बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपनी ज़िद के आगे किसी की सुनते नहीं हैं। तो वही हमारे मम्मी जी ने करा कि दूसरों के बात सुन सुन कर कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये खा लो निकल जाएगा पथरी, ये कर लो निकल जाएगा पथरी। सुनना तो होता नहीं है बड़े लोगों को कि भाई बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो कुछ उनको भी ज्ञान होता है, उनको भी पता रहता है, बट नहीं सुना। और उसका नतीजा देखिए ये निकला है कि मम्मी का गॉल ब्लैडर जो था ना, वो उसमें सूजन आ गई थी, उसमें पस बन गया था, इन्फेक्शन आ गया। और लास्ट टाइम जब मैं 13 दिन हॉस्पिटल में मम्मी रही हैं, पिछले महीने की ही बात है, आप लोगों को पता होगा, वीडियोस मेरे डाली थी कि पिछले महीने की बात है, मम्मी 13 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो वही रीज़न था, दर्द उठा। और जब सब चीज़ टेस्ट MRI सब चीज़ हुआ, तो उसमें पता चला कि अंदर में इन्फेक्शन हो चुका है, गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा सूजन है, और उसमें पस भी बन गई थी। ठीक है, दवाइयाँ चली, 13 दिन हॉस्पिटल में रहे, पूरा घर अस्त व्यस्त, बच्चे सब चीज़, मतलब ना घर में इस तरह का कुछ होता है ना, सब बिगड़ जाता है। तो हुआ, और डॉक्टर ने बोला कि हम 1 महीने बाद ऑपरेशन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, चलो अब 1 महीने वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने बोला भी आप कर दीजिए अभी ऑपरेशन, तो बट डॉक्टर ने बोला कि अभी हम छेड़ नहीं सकते हैं, इन्फेक्शन है क्योंकि। तो 1 महीने बाद जस्ट जन्माष्टमी के अगले दिन हम लोग मम्मी को लेके हॉस्पिटल आए, डेट फिक्स थी डॉक्टर के साथ, ऑपरेशन होने गया। और बीच ऑपरेशन में डॉक्टर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे बोला कि ये, क्योंकि मम्मी का लेज़र वाला ऑपरेशन हो रहा था, तो स्क्रीन पे डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि ये देखिए ऐसे ऐसे है कि मम्मी का जो गॉल ब्लैडर था वो छोटी आँख से चिपक गया था, क्योंकि उसमें सूजन थी, वो छोटी आँख से चिपक गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसे हम छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आँतों से चिपका हुआ है, आँतों को छेड़ नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने बोला, फिर उस टाइम पे क्या डिसीज़न ले, मैंने बोला ठीक है आपको जो ठीक लगता है आप करिए। तो डॉक्टर ने बोला कि हम सारी पथरी निकाल देंगे, गॉल ब्लैडर भी थोड़ा सा हटा देंगे। तो 80% डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर हटा दिया, पथरी सारी निकाल दी, और जो पार्ट आँतों से चिपका हुआ था उसको डॉक्टर ने बोला कि इसको हम छेड़ नहीं सकते, तो उन्होंने उतना पार्ट छोड़ दिया। तो क्योंकि पूरा गॉल ब्लैडर वहाँ से हटा नहीं था और चिपका हुआ था, तो वहाँ पर डॉक्टर ने एक पाइप लगा दी, और पेट के थ्रू यहाँ से वो नली जा रही है, और नीचे थैली में अंदर से बॉइलिंग निकल रहा है, बॉइलिंग निकलता है, बहुत लोगों के लगता है वो पाइप, बहुत लोग आए, उन्होंने सबने, काफ़ी लोगों ने बोला कि उनके भी एक बार ऑपरेशन में ऐसा लगा है, तो वो निकलता है, वो बताते हैं 3-4 दिन में, जैसे 3-4 दिन में सबका वो ख़त्म हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है। तो हम लोग भी वेट कर रहे थे, पहले दिन 500 था, फिर 50 ml कम हुआ, 400, 450, फिर 400, फिर 350, फिर 300, देन 250, अब 200 पे वो ना 3 दिन से कंटिन्यू है, 200 से नीचे वो जा ही नहीं रहा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि, मतलब अब बोला है डॉक्टर ने कि शायद वो ERCP करेंगे, जो कि गैसोलॉजिस्ट करेंगे। तो ERCP, अब हम लोग को मेडिकल लाइन की इतनी नॉलेज तो होती नहीं है,
मुझे भी नहीं पता था ERCP एक तरह का एंडोस्कोपी होता है, तो ERCP करेंगे और उसके थ्रू बता रहे हैं कि वो अंदर में ERCP जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो एक ना वो होता है कैमरा होता है जिस जो पाइप के थ्रू मुंह के रास्ते अंदर डाला जाता है, और उसमें फिर एंडोस्कोपी पता होगा अगर आप लोगों को, सेम वैसे ही होता है, वही चीज़ होती है, उसके थ्रू सब अंदर देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है, तो उसके थ्रू ही वहाँ पर बताते हैं कि तभी वो लोग जहाँ से लीकेज हो रही है ना वहाँ स्टंट डाल देंगे एक, जिससे कि ये लीकेज बंद हो जाएगी जो निकल रहा है बॉयलिंग, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं हमें। तो अब हमें तो लग जाता है भाई डर इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैंने तो लाइफ में भैया को खोया है जब से, तो तब से मेरे मेरे अंदर ना एक डर है कि हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे डर लगता है कि इंसान बस सही सलामत आ जाए ना तो समझ लो कि आ गया, तो एक डर होता ही है मेरे अंदर, घबराहट बहुत होती है, मैं दिल की बहुत कमज़ोर हूँ, मतलब देखिए होना चाहिए इंसान को ना मजबूत, भगवान सबको मजबूत बनाए दिल का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं ये सब चीज़ें देखी जाती बिल्कुल भी, और मुझे घबराहट बहुत जल्दी होती है। तो अब डॉक्टर ने बोला ERCP अब करेंगे, और थोड़ा होता ही है यार, जब पापा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे तो पापा का पैनल में चलता है हॉस्पिटल, तो आजकल तो हॉस्पिटल भी ऐसे ही होते हैं ना पैसा बनाने के लिए, आजकल करते रहते हैं क्योंकि पैसा बन रहा है भाई, सरकार दे रही है पैसा, तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल अब तक की यही अपडेट है, और मैं आप लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग जिसको भी मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, प्लीज़ आप लोग अब दुआ करें कि मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सब नॉर्मल होकर घर पर आ जाए। आज 9 दिन हो चुके हैं, मम्मी ठीक है, मम्मी के हाव भाव से लगता नहीं कि मम्मी को कोई दिक्कत है, कोई दर्द नहीं है, बस वो जो नली लगी है ना यहाँ पर उसमें उनको दर्द होता है, तो बस एक वो दिक्कत है, तो अदरवाइज़ मम्मी ठीक है, खाना भी खा रही है प्रॉपर, बस खाने को मिलता नहीं ढंग का, थोड़ा सा भी एक दिन खाया था घर का खाना तो गैस बन गई थी मम्मी को, और बता रही थी पेट बिल्कुल फूला, तो उनको डर लग गया कि कहीं ना वो टाके जो है ना, जो वो वाले टाके हैं लेज़र वाला जो हुआ था, छोटे छोटे टाके होते हैं, तो वो कह रही नहीं फट जाएगा ऑपरेशन फिर खुल जाएगा, तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है, होता है, तो तब से वो खाना भी सोच समझ के ही खा रही हैं।